हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक, खुशबाश और यकीनन मज़े में होंगे। तो जी, आज है रमज़ान का तीसरा जुमा, और जी आप सबको हम मामा बेटी की तरफ से रमज़ान का तीसरा जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और जी आज का दिन जो है वो स्पेशल है, और स्पेशल इस वजह से है क्योंकि आज हसन अल्हम्दुलिल्लाह 6 मंथ्स का हो गया है। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रमज़ान के तीसरे जुमे को गुजरे तो 3-4 दिन हो गए, और ये मैडम व्लॉग जो है वो अब डाल रही है, तो व्लॉग हो गया लेट, उसके लिए सॉरी। असल में मैं और हसन दोनों हो गए थे बीमार बर्थडे के बाद ही ना, केक वगैरह कट करने के बाद, तो हम लोग को डाउन डाउन फील होना शुरू हो गया था, और हसन भी बहुत ज़्यादा ना रो ही जा रहा था। और थोड़ी देर बाद ही पता चला कि हम दोनों को ही फीवर हो गया था बहुत ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं तो काफ़ी बेहतर हूँ, आवाज़ अभी भी ठीक नहीं है, गला ठीक नहीं है, पर हसन जो है वो अभी भी बीमार है, बुखार है हसन को। आप लोग दुआ कीजिए कि हसन जल्दी से ठीक हो जाए। तो जी इस वजह से हो गया था व्लॉग लेट, तो जनाब वजह आपको पता चल गई है व्लॉग के लेट होने की। और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाग के जाएं चैनल को लें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक, और कर दें प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर। तो जनाब जुम्मा था क्योंकि आज, तो मैंने हसन के लिए कुछ ड्रेसेस बनवाए हैं जुम्मे को पहनने के लिए ना, तो उनमें से ये एक था, तो सादा सा था, शलवार और गोल गला मैंने बनवाया था, मतलब कंफी सा था जो हसन को मैं आराम से पहना भी सकूँ और उतार भी सकूँ। तो बस ये हसन को मैंने सुबह ही ये पहना के रेडी कर दिया था क्योंकि हसन के बाबा की कॉल आ गई थी कि इतने दिन से हसन की कोई वीडियो नहीं शेयर किया तुमने, तो बस मैंने सुबह ही फिर हसन को ये पहना दिया था और फिर उनके बाबा जैन को दिखा दिया था। तो ये है जी हसन साहब, शलवार सूट पहन के तो ये बेचारा इतना परेशान हो जाता है ना कि पता नहीं मम्मा ने क्या पहना दिया मुझे, देखते ही रहता है अपने कपड़ों को ही देखता रहता है। शायद आदत नहीं है शलवार सूट पहनने की, वो कभी कभी पहनता है तो फिर वो कन्फ्यूज़ ही रहता है। तो बहरहाल बस जी फिर हसन का फ़ोटो शूट हुआ था, काफ़ी कोशिश की मैंने कि हसन कैमरे को फेस करे, पर हसन साहब तो जनाब कहाँ मामा की बात सुनते हैं, बस वो अपने कपड़ों में ही लगे हुए थे। फिर बस इनके बाबा को दिखाया था, वीडियो कॉल कर ली थी उन्होंने, फिर मैंने ये देखा खड़ा करके इसको फ़ोटो शूट करने की कोशिश की, खड़ा होकर कैसे हिलता रहता है वो, जैसे चाबी वाला गुड्डा नहीं होता वो लगता है, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। आप सब लोग भी प्लीज़ माशाल्लाह कह दीजिएगा और दुआ कीजिएगा कि हसन का बुखार जो है वो उतर जाए जल्दी से। बस फ़ोटो शूट करने के बाद मैंने डेकोरेशन थोड़ी सी की थी, अब जाहिर है बर्थडे था तो कुछ तो डेकोरेशन करनी थी ना। अब इनके बाबू को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी मैं कि वो भी होते, पर कोई बात नहीं। बस फिर ये सुबह ही मैंने डेकोरेशन कर ली थी, बेड मैंने ना सारा कुछ चिपका चुपो दिया था क्योंकि दीवार पे करो ना तो फिर दीवार से जब टेप होती है तो वो साथ तो वाइट वॉश भी हट जाता है, बस इसलिए भी मैंने बेड पे ही कर दिया था और इसको लिटाया था। माशाल्लाह खुश हो रहा था, कलरफुल थे ना रिबन्स उनको देख के, तो ये बार बार ऊपर ही देखे जा रहा था। फिर मैंने इसको उठा के उस तरफ ही इसका मुँह कर दिया था बेड वाली साइड पर, माशाल्लाह बस ये फिर खेलता रहा था। उसके बाद मुझे किचन में जाना था तो बस फिर मैंने इसको फ्रिज में ना सीरियल डाल के तो दे दिया था। वैसे खिलाती हूँ, अगर स्पून से खिलाऊँ तो माशाल्लाह खा भी लेता है, और जब मेरे पास टाइम ना हो तो फिर मैं इसको इस तरह से रिलैक्स दूध में डाल के दे देती हूँ तो माशाल्लाह माशाल्लाह से ना पी लेता है आराम से। बस फिर ये अपना फ्रिजर पी रहा था और उसके बाद मैं चली गई थी किचन में, पुलाव बनाना था और एक न्यू जो है स्वीट डिश मुझे ट्राई करनी थी। पुलाव के लिए मैंने सारा सामान रेडी कर लिया था क्योंकि आप लोगों को पता है कि गैस का कितना मसला है, तो गैस आने से पहले पहले ना मैंने ये सारे जो होते हैं काम वो करके रख लिए हुए थे। और ये स्वीट डिश के लिए मैंने ब्रेड को इस तरह से साइड वाले जो पार्ट होता है वो हटा लिया था, ये थी मलाई, और जी इसको बनाने के लिए चाहिए था दूध। बहुत ही सिंपल से मज़े की रेसिपी है, कस्टर्ड बनता है और कस्टर्ड के अंदर ब्रेड डाल देते होते हैं। अगर आप लोगों को पूरी रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे बताइएगा, मैं फिर किसी ब्लॉग में डाल दूँगी। और जी ये था इसका फाइनल लुक और बहुत यम्मी लगती है ये खाने के बाद। फिर जी हो गया था जुम्मा यानी जुम्मे की अजान, तो फिर मैंने सोचा आप लोगों को अपना ये सूट दिखा देती हूँ, मैंने अपने लिए भी जुम्मे के लिए बनवाए थे सूट, तो ये था फ्रॉक मेरा, इसमें सिंपल था, मैंने इसमें बस प्लास्टिक ऐड करवाई थी और पेटी के ऊपर मैंने इस तरह से दो दो बॉक्स पे डलवाई थी।
गला भी सिंपल ही था, हल्का सा इस तरह से कर्व था गले के ऊपर ना। सेम साथ में इसके ट्राउज़र था, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा इन है, तो बस मैंने भी फिर बनवा लिया था इस तरह, प्यारा लग रहा था। बहरहाल ट्राउज़र को मैंने इस तरह खुला रखवाया था, जैसा प्लाजो टाइप का होता है, नीचे लेस लगवाई थी जस्ट। और जनाब ये है इसके साथ का दुपट्टा। दुपट्टा एक्चुअली मैंने घर से ही मैच किया था, क्योंकि ये टू पीस सूट था, तो घर से दुपट्टा मैच हो गया था और जनाब मेरा सूट हो गया था कंप्लीट। बस फिर उसके बाद शाम का टाइम हो गया था, हसन को मैंने रेडी कर दिया था। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें कितना प्यारा लग रहा है हसन। इसको मैंने ये वाला मैंने ड्रेस लिया था इसके लिए, बर्थडे के लिए ही। तो बस यहाँ पे मैंने इसको सूट पहनाया और वीडियोस बनाई, फ़ोटोशूट किया। फिर इनके बाबा की कॉल आ गई थी, उनको दिखाया कि हसन कैसा लग रहा है, और माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था हसन। रोम्पर्स मुझे इतने भी पसंद है ना बच्चों के, बस ये होता है कि पहनाने में मुश्किल होती है, और पता नहीं क्या पर ना शायद मुझे ऐसा लगता है कि टिकड़ा हो जाता है इसके अंदर। तो बहरहाल एक दो तीन है हसन के रोम्पर्स, जब बिल्कुल छोटा था तब भी मैंने एक लिया था, सर्दियाँ थी उस वक्त, वो भी बहुत प्यारा है। वो भी मैं किसी दिन आपको दिखाऊँगी इंशाल्लाह, किसी वीडियो में ना क्लिप ऐड कर दूँगी। तो बस जी फिर वही जंग चली मामा बेटे की फ़ोटोशूट के लिए। एंड में मैंने डाली है पिक्चर्स, आप लोग देखिएगा, कुछ कुछ आई हैं अच्छी आई हैं कुछ कुछ ना। तो बस ना फिर फ़ोटोशूट हुआ, उसके बाद अफ्तारी की, अफ्तारी के बाद केक कट किया था। और जी ये है मेरा बेटा, ये है मेरे बेटे का केक, और ये हमने करनी थी बर्थडे सेलिब्रेट। हसन के बाबा को मैंने बहुत 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 ज़्यादा मिस किया था यहाँ पे, क्योंकि ये हसन की फ़र्स्ट सेलिब्रेशन थी और उसी में वो नहीं थे। तो बहरहाल कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वो होंगे। तो जनाब यहाँ पे जी हसन ने अपना कारनामा सर अंजाम दे दिया था, हसन ने केक में मार दिया था हाथ, और ये देखिए हमने पैरों को लगा लिया था, फिंगर्स पे लगा लिया था। उसके बाद फिर ये मैंने इसको ना कैप पहना दी थी, तो फिर मैंने इसका फ़ोटोशूट किया था, कैप पहन के भी प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पे ना देख नहीं रहा था बिल्कुल भी, मैंने क्या किया मोबाइल की टॉर्च ऑन की ना, फ्लैश लाइट ऑन की, तो फिर इसने फोकस किया था इधर, फिर ये देख रहा था। बस फिर उसके बाद जो केक कट कर लिया था, केक खाला जानी के साथ बैठ के कट किया था हसन ने। और ये जी मेरे बेटे ने नाइफ पकड़ी और हैप्पी बर्थडे हो गया था। आप लोग भी क्लैपिंग कर दें, यहाँ पे सब लोग क्लैपिंग कर रहे थे, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो बस ये फिर केक कट करने के बाद, क्योंकि मैंने आपको बताया ना शुरू में कि हम दोनों ही बहुत ज़्यादा डल हो गए थे, ये भी बहुत रोने लग गया था, तो बस फिर इससे आगे मैं कुछ शूट नहीं कर सकी। तो जनाब कैसे लगे आपको वीडियो, वीडियो अगर आई हो पसंद तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा शेयर, और कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। ये जो कुछ पिक्चर्स थी जो अच्छी आई थी वो मैंने यहाँ पे भी लगा दिया, इंस्टा पे भी मैंने डाल दिया, तो आप लोग वहाँ जाके भी देखिएगा। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, हमें दीजिए इजाज़त, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल, हमें रखिएगा दुआ में बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज़।